गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो है किटकेट फ्यूज़ इलेक्ट्रिकल का है ये थर्ड सेमेस्टर का है ड्राइंग में है. आ, राइट साइड में देख रहे हैं आप यहाँ पर एक ड्राइंग दे रखी है थ्री व्यू में इस थ्री व्यू को देखकर हमें टू व्यू बनाना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल जैसा क्वेश्चन में गिवन होता है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली है और यहाँ पर एक पॉइंट लिया पॉइंट लेने के बाद अब हमें टोटल जो लेंथ लेनी है वो है फ्रंट व्यू से अगर हम देखें सामने से 25 एम एम पचास एम एंड 25 एम एम टोटल है 100 एम mm. एम तो हमने यहाँ पर स्केल लिया ड्राफ्टर लिया 25 एम एम पर डोट लगाया उसके बाद फिर यहाँ से 50 एम एम पर डोट लगाया एंड फिर एंड द लास्ट 25 एम एम पर डोट लगाया क्योंकि इनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो टोटल तो हो गया हंड्रेड एम एम से यहाँ तक ठीक है क्वेश्चन के अंदर चाहे तो हम डार्क करते चलेंगे बट धीरे धीरे ठीक है हाइट जो है वो हमें दे रखी है फिफ्टीन एम एम तो हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली है अब ओवरऑल ठीक है फिलहाल हमने जो ये रेफरेंस लाइन ली है पूरी ली है और ये हमने फिफ्टीन एम एम ले ली है यहां पर सेम यही प्रोसेस हम थोड़ा सा इन साइड में करेंगे यहां पर लिया मैंने अगले पच्चीस एमएम mm पे क्यों नहीं ली वो कहीं पर भी ले सकते हैं डजेंट मैटर बट लाइन हमारी सीधी होनी चाहिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं बिल्कुल लाइट लाइन लेते हैं हंड्रेड एम mm, एम तक कि बिल्कुल लाइट लाइन ताकि इससे पता चले कि जो हमारा रेक्टेंगल बॉक्स है वो प्रॉपर बने ठीक है जो सबसे पहले हमारा रेक्टेंगल बनता है, वो होना चाहिए तो हो तो तो mm ले सकते हैं नो प्रॉब्लम अगर गिवन है तो हम उतने की ही लेंगे अदरवाइज हम अपनी तरफ से कितनी भी ले सकते हैं ठीक है थीके? जितनी लुक लगती है ये कॉर्नर होते हैं कॉर्नर ताकि बिल्कुल शार्प एज ना आए ठीक है तो यहाँ पर हमें किटकेट फ्यूज़ का फ्रंट व्यू का बेस बना लिया है हमने ध्यान से देखेंगे बेस को अब हम क्या कर लेते हैं डार्क क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है बेस हमारा ये आ गया जी ठीक है अब ऊपर की तरफ जो हाइट है टोटल है 15 एम mm, तो एक तरफ से हम ये डार्क कर लेंगे अपोजिट साइड से भी हम डार्क करेंगे याद रहे हम जब भी किसी डायग्राम को बनाते हैं तो सबसे पहले बेस लेंगे देन बेस का सेंटर पॉइंट लेंगे जो सेंटर पॉइंट होता है आगे का ऊपर का डायग्राम जितना भी बनेगा सब सेंटर लाइन से बनता है ठीक तो है तो टोटल है हंड्रेड यहां से 5 एम mm एम पहले हमने छोड़ा ये क्यों क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आप थ्री में देख सकते हो दोनों साइड से 5 5 एम mm एम ड्रॉप किया और ऊपर से हम नीचे आएंगे अब यहां पर जो है ड्राफ्टर को लॉक किया और 5 एम mm एम नीचे आना हमने पहले लाइट लाइन ले ली है पूरी पूरी ठीक है अब 5 एम mm एम क्या करना है डार्क करना है ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा डेप्थ दे रखा है गहराई दे रखी है फाइव एम mm की तो हमने ये फाइव एम mm एम यहाँ से यहां तक आ गए और डॉट ले लिया और फिर वापस यहां से यहां तक आए और डार्क कर लिया ठीक है अब एक बिल्कुल लाइट लाइन से इसको हम क्या कर देंगे ज्वाइन करवा देंगे बिल्कुल लाइट लाइन से क्योंकि इन लाइन लाइन की मदद से हम आगे काम कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने ये जैसे लाइट लाइन बोली है मिला ली है अब इसकी जो ये है ये यहाँ पर कितना है ये भी 15 एम mm एम है तो ये हमने 5 एम mm एम लिया और यहाँ से यहाँ तक 15 एम mm, एम यानी कि 15 एम mm एम दोनों तरफ लिया हम सिर्फ अभी बेस पे काम कर रहे हैं यानी कि फ्रंट व्यू पर ठीक है फिफ्टीन एम एम लिया और ऊपर की तरफ जो हाइट है वो फिर फाइव एम एम आ जाएगी और इसको हम डार्क कर लेंगे यहाँ तक तो ध्यान से देखना जैसे थ्री व्यू का फ्रंट व्यू दिखता है वही चीज़ बनाना है जैसे हम सामने से किसी को देखते हैं हमें जो जो दिखता है हम वही बनाते हैं ऐसे ही हम फ्रंट व्यू का ये नॉर्मल व्यू बना रहे हैं अब यहाँ पर सबसे पहले इस लाइन के साथ हम क्या करेंगे फाइव फाइव एम एम का डिस्टेंस है और चाहें तो हम पूरा डार्क भी कर सकते हैं क्योंकि वो हमें ओवरऑल पूरा ही दिखाई देगा बट पहले क्या है फाइव एम एम का डिस्टेंस है देन अब टेन एम एम नीचे आना है अभी तक हम आ रहे थे फाइव एम एम नीचे आ रहे थे ना ऊपर से नीचे की तरफ तो अब जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग टेन एम एम है तो हम यहाँ पर रखेंगे टेन एम एम तक डार्क करेंगे ये आ गया टेन एम एम सेम यही चीज करेंगे पाँच और दस ये आ गया दस और इसको हम डार्क कर देंगे तो ये बेस आ गया है एक और यानी कि यहाँ पर हमने एक पंद्रह का लिया और ये रिमेनिंग पचास का हो गया ऊपर वाली लाइन को भी हम क्या करेंगे डार्क करेंगे क्यों क्योंकि ये थ्री व्यू में हमें गिवन है अगर हम थ्री व्यू को अच्छे से पढ़ना सीख गए तो हमें पता चल जाएगा ठीक है तो ये चीज़ आ गया ये वाली यहाँ पर कंप्लीट होता है फ्रंट व्यू का ये और ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी चाहे तो इरेज कर दें या छोड़ भी सकते हैं अब आती है बात साइड क्लिप की ठीक है ये जो बेस क्लिप होती है जिसके अंदर हमारा किटकेट फ्यूज़ का वायर लगता है तो एक बार कैमरे को एडजस्ट किया और यहाँ पर अब हमने क्या किया जो फिफ्टीन है जो 15 एम mm एम है उसका सेंटर पॉइंट लेंगे हम क्या लेंगे सेंटर पॉइंट लेंगे और क्लिप को अच्छे से बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्लिप की डिस्टेंस देख लेते हैं वो डिस्टेंस है पंद्रह एम एम उसकी चौड़ाई है ट्वेंटी फाइव एम उसकी हाइट है तो यहाँ पर चलिए क्या करते हैं सबसे पहले इस पंद्रह का हाफ लेते हैं इस फिफ्टीन एम एम का हाफ लिया ये पॉइंट लगाया यहाँ पर और जो सेंटर लाइन है वो लेंगे 90 डिग्री पे बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे करके हमने एक लाइन ले ली यही प्रोसेस हमारा अपोजिट साइड भी हो जाएगा तो पंद्रह का हाफ साढ़े सात पाँच छः सात एंड हाफ साढ़े सात ठीक है पंद्रह का हाफ इधर हाफ इधर ये इसी ब्लॉक के अंदर लेना छोटे से ब्लॉक के अंदर अब यहाँ पर रखा जो क्लिप थी उसका डिस्टेंस था टेन एम एम तो फाइव एम एम इधर फाइव एम एम उधर ऐसा ही हम ऊपर करेंगे एक बार ऐसा क्यों करेंगे ऊपर ताकि लाइन पैलर आए अब जो टोटल हाइट है हमारी क्लिप की ट्वेंटी फाइव एम एम है तो वो हम बेस से लेंगे बिल्कुल बेस से ठीक है यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक और इसको ऊपर को डार्क कर देंगे यही क्लिप अपोजिट साइड भी बनेगी ऐसी ही बिल्कुल डिटो यहाँ पर ठीक है तो चलिए यहाँ पर भी बना लेते हैं ये रखा सेंटर पॉइंट पे ये 5 एम mm, एम आ गया 5 एम mm, एम यही प्रोसेस हमने एक बार ऊपर किया 5 एम एम एंड 5 एम mm, एम और इसको 25 एम mm एम तक ज्वाइन करवा दिया ये आ गया 25 एम mm, एम देन पच्चीस एम एम ये आ गया आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो माय डियर कमेंट्स करें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ठीक है अब आती है इस लाइन की बात तो जो हमें सामने से दिख रहा है यहाँ पर इस लाइन को हम कर देंगे डार्क आगे से देखते वक्त ये चीज़ आ जाएगी डार्क ये चीज़ डार्क आ जाएगी और पीछे की अब लाइन तो पीछे भी है वो दिखेगी नहीं तो जो चीज़ नहीं दिखती उसको हम हिडन में करते हैं और हिडन का डिस्टेंस होता है टू से थ्री एम एम यही प्रोसेस अपोजिट साइड भी होगा बट यहाँ पर यह चीज़ ये डार्क हुआ और ये डार्क हुआ क्योंकि ये सामने से हमें दिख रहा है और ये हिडन हिडन का दो से तीन एम का डिस्टेंस तो ये फ्रंट व्यू का कुछ पोर्शन रेडी हो गया है थोड़ा सा रहता है सेंटर का और सर्कल का तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं टोटल 50 एम mm एम है यहाँ पर इन का 50 का हाफ 25 और सेंटर लाइन बिल्कुल सीधी है हमारी ये ले ली अब इसके ऊपर काम करेंगे तो जो हमारा बेस है जो क्वेश्चन में गिवन है बेस है 40 एम mm. एम फोर्टी एम एम है तो हम क्या करेंगे ट्वेंटी इधर ये ट्वेंटी का डोट और ये ट्वेंटी का यानी कि सेंटर से हाफ ऑफ कर देना है अब हमें तो हाफ इधर हाफ इधर अब जो ये बेस था जो अंदर आप बनाने जा रहे हैं उसकी हाइट है फिफ्टीन एम एम तो ये पंद्रह एम एम पर हमने पॉइंट लिया अब उसकी जो हाइट है वो है तीस एम mm, एम जहाँ ऊपर जाकर है तो तीस का हाफ फिफ्टीन एम एम इधर फिफ्टीन एम एम इधर हाइट थी फिफ्टीन चौड़ाई है तीस तो तीस का आधा पंद्रह इधर और पंद्रह इधर बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी ठीक है अब जो ये है टेपर एंगल है टेपर एंगल नहीं है फोर्टी से थर्टी तक जो लाइन है इसको ज्वाइन करवा देंगे यहां से यहां तक हमने ये ज्वाइन करवा दिया मैनुअली ठीक है क्योंकि ये मैनुअली नहीं है बट पूरा मेथड के साथ चल रहे हैं बट मैनुअली ज्वाइन करवाएंगे ये ज्वाइन करवा दिया ये आ गया बेस अब यहां पर इसको हम इसको भी ज्वाइन करवा देंगे नॉर्मली देखो किटकेट बिल्कुल लग रहा है साइड व्यू से देखते हैं तो अब बात आती है यहाँ पर कि किटकेट के अंदर एक ग्रूव है अब वो ग्रूप का डिस्टेंस कितना है तो माई डियर स्टूडेंट ग्रुप का जो डिस्टेंस है फाइव एम mm है कितना एम mm है फाइव एम mm. तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है हम नॉर्मल स्केल को लेंगे हमारी सेंटर लाइन से ऊपर से 5 एम mm एम रखेंगे जहाँ पर अभी हमने जो बनाया 30 एम mm एम का 30 से 5 एम mm एम नीचे आएंगे जैसे कि ये आ गया 30 अब ड्राफ्टर को 90 डिग्री पे हमने ऑलरेडी लॉक कर रखा है तो यहां पर होरिजेंटल लाइन लेंगे हम यह आ गया होरिजेंटल लाइन के लिए ठीक है अब एक पॉइंट बड़े ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को और जो ये पांच एम mm हमने डिस्टेंस लिया है इसको एक तरफ से दूसरी तरफ तक यानी कि ग्रूव तक हम ज्वाइन करवा देंगे ये लोक किया नाइनटी डिग्री पे यहाँ लाए और हिडन लाइन की मदद से इसको बना दिया क्योंकि ये सामने से देखने पे ग्रूव यानी कि अंदर जो खाचा है जिसके अंदर से तार जाएगा वायर जाएगा वो दिखाई नहीं देगा तो वो इतना गहरा है ये चीज़ हमें ये बता रहा है ऑलमोस्ट डाइग्राम रेडी है मेन चीज़ अभी क्या रहती है कि यहाँ पर जो हमारी क्लिप है और क्लिप के अंदर सर्कल भी है तो हम सर्कल को भी रिप्रेजेंट करेंगे साथ साथ और अगर कोई डायमेंशन मिसिंग है तो डायमेंशन को हम एज्यूम करते हैं तो जो सर्कल है वो इस क्लिप के ऊपर है ऊपर से पंद्रह एम mm एम ड्रॉप करके ठीक है क्योंकि ये नियरेस्ट होता है नीचे की तरफ होता है ज़्यादा ऊपर नहीं होता है तो ये आ गया पंद्रह एम एम नीचे यहाँ पर हल्का सा वायर लगेगा ऐसे ही हम इधर लेंगे अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो एक सर्कल है एक मेरी तरफ है एक दूसरी तरफ है ठीक है यानी कि एक सामने से और सर्कल का डाया है तीन एम तो यहां पर हमने 1.5 का ये लिया और ये कर्व कर दिया तो ये तो हमें प्रॉपर दिखाई देगा क्योंकि ये मेरी तरफ है और जो दूसरी तरफ है वो दिख नहीं रहा है तो उसको हम कैसा बनाएंगे हिडन में बना देंगे क्योंकि वो मेरी तरफ नहीं है वो पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ जो दिख नहीं रहा है उसको हम हिडन में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आ गया ऐसा ठीक है आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करें कमेंट्स करें मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा तो माय डियर अब यहां पर फ्रंट व्यू हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अब हमें करना क्या है यहां पर जो डायमेंशन है वो दिखाएंगे और डायमेंशन सिस्टम क्वेश्चन में गिवन है और अगर अलाइंड सिस्टम है तो लाइन के ऊपर टैक्स लिखते हैं अगर बोला गया है यूनिडायरेक्शनल लिखकर दिखाना है तो यूनिडायरेक्शनल के केस में क्या होगा कि हम लाइन के बिटवीन में लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 25 फाइव mm है देन 50 एम mm और लास्ट 25 फाइव mm. जो हाइट है इसकी यहाँ पर और यहाँ तक और टोटल यहाँ तक तो आपको एक मैं चीज़ नया अपडेट दे रहा हूँ कि लाइन के अंदर जितना भी ये डायमेंशन है सब लाइन के अबाउ रहेगा लाइन के पीछे नहीं होता है फ्रंट व्यू हमारा रेडी हो गया है अब हम टॉप व्यू बना रहे हैं आप चाहें तो एक बार बैक जाकर फ्रंट व्यू को देख सकते हैं अच्छे से ठीक है यहां पर टॉप व्यू बनेगा अगर हम नीचे बना रहे हैं तो इसका मतलब यह समझना कि फर्स्ट एंगल एक्टिवेट हो चुका है अगर हम ऊपर बना रहे हैं तो थर्ड एंगल है तो टोटल जो चौड़ाई है वो है तीस एम एम कितनी है तीस एम एम है चौड़ाई और लेंथ है हंड्रेड हंड्रेड कहां से मिली ऑलरेडी ऊपर से मिली हुई है पच्चीस पचास पच्चीस से यह आ गया टोटल हंड्रेड और ये तीस एम एम जो ली किट फ्यूज जो है उसकी चौड़ाई है ठीक है तो यहाँ पर इसको हम डार्क करते चलेंगे ठीक है तो ये तीस एम एम को हमने ये बना लिया यही इधर से तीस एम एम हमने ले लिया और याद रखना फ्रंट व्यू और टॉप तो व्यू के एक प्रॉपर गैप रहना चाहिए वही गैप हमारा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आता है तो सबसे पहले हमने जो रेक्टेंगल बनाया है ये तीस बाय हंड्रेड का बना है थर्टी बाय हंड्रेड का बना है याद रखना जितनी भी पॉसिबल लाइन है प्रोजेक्शन लाइन हम ऊपर से लेंगे प्रोजेक्शन लाइन कैसे लेते हैं जितने भी पॉइंट आते हैं कॉर्नर पॉइंट से नीचे हम सारी लाइन ले, ले लेते हैं इनकी इनकी मदद से हम डायग्राम को इजीली बना सकते हैं ठीक है इनको बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन जैसे मूवी देखने जाते हैं ना प्रोजेक्ट पर चलता है और वो स्क्रीन पर दिखता है तो समझो ऊपर डायग्राम बना हुआ है और नीचे हम सारा बना रहे हैं ठीक है तो ये लाइन कहाँ कहाँ से आई है आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से और एक एक लाइन हमने ऊपर से ली है तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले 5 एम mm के ये ऊपर से ड्रॉप किया और 5 एम mm इधर से ड्रॉप किया 5 mm क्यों एम रहे क्यों क्योंकि ये दोनों तरफ से ना एक गैप है प्रॉपर गैप है और ये डिस्टेंस कितना है इसका 15 एम mm है ठीक है मतलब जैसे एक होता है ना नॉर्मल किटकेट फ्यूज को जैसे इंसल्ट करते हैं तो एक तरफ से ये ऐसा है कि पूरी पूरी बॉडी से टच है और दूसरी तरफ से फाइव mm एम का गैप है ये ऊपर से आ गया है ठीक है जैसा हम ऊपर से चलते आ रहे हैं अब जो इसका सेंटर पॉइंट है वो और ऐसे ही करके हम अपोजिट साइड को भी बना लेते हैं पहले ठीक है सबसे पहले ये जो है पहले लाइन ले ली पच्चीस एम mm की आ जाएगी और ये आ जाएगी पच्चीस एम mm की और बीच का डिस्टेंस है पंद्रह एम एम ठीक है पंद्रह एम के बाद अब हम क्या करते हैं जो यहाँ पर सेकेंड पार्ट है इसके अंदर एक एक बेस पॉइंट को ये वाला ये लेंगे हम यहाँ से जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है 5 एम mm एम इधर है फाइव एम एम इधर है याद रखना कहाँ पर लेना है ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये दोनों तरफ बनेगा क्योंकि एक साइड दिखता है एक साइड नहीं दिखता थ्री डी व्यू में और याद रखना ये हमेशा ये पकड़ने के लिए होता है। जब हम किटकेट फ्यूज को पकड़ते हैं तो हमारे हाथ इसी पे रखे जाते हैं जो मैंने अभी बनाया है पचास बाय पाँच एम एम ये पाँच एम एम और ये पाँच एम एम और इसको पचास एम एम पूरा पाँच पाँच एम एम दोनों साइड और पचास इसको पकड़ते हैं हम यानी कि एक जिस तरफ ये है ऊपर फ्रंट जहाँ पे लिखा है यहाँ पर हमारी उंगली आएंगी और नीचे की तरफ हमारा थिम आएगा यानी कि अंगूठा आ जाएगा ठीक है इससे हम पकड़ कर किटकेट फ्यूज को ब्लॉक करते हैं लॉक करते हैं और वापस अनलॉक करते हैं तो जो टोटल डिस्टेंस है थर्टी है अब उसको हम क्या करेंगे डिस्टेंस लेंगे पंद्रह पंद्रह दोनों तरफ से और एक सेंटर लाइन ले लेंगे बिल्कुल लाइट लाइन लेंगे बहुत ज़्यादा लाइट ठीक है ये लाइट लाइन ले ली इसके ऊपर अब हमें काम है ऐसे ही हम यहां पर आए सेंटर पे अब हमें इसकी जरूरत है तो इस पॉइंट से हमें क्या करना है जो डिस्टेंस दिया गया है जहां पर ग्रुप बनाया था हमने पहले उसका डिस्टेंस दिया है पंद्रह तो साढ़े सात एम एम इधर पांच छः सात एंड हाफ इधर साढ़े सात इधर लिया यही प्रोसेस हम अपोजिट साइड करेंगे और ऐसे ही ड्राफ्टर को लॉक कर कर हम इधर तक लेके जाएंगे अगर ड्राफ्टर हमारा अच्छा है और हम ड्राफ्टर से बना रहे हैं तो समझे बहुत जल्दी काम होता है हमारा देखें अपने आप साढ़े सात साढ़े सात आ गया मैंने ड्राफ्टर 90 डिग्री पे लॉक कर रखा है ठीक है यहाँ से यहाँ तक यह आ गया पूरा और यहाँ से यहाँ तक देखो अगर फ्रंट व्यू बन गया तो बहुत जल्दी टॉप व्यू बन जाएगा अगर आपने फ्रंट व्यू में मेहनत कर ली तो टॉप व्यू बहुत जल्दी बन जाएगा सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन लेनी है तो ये हमने बना लिया अब आ जाते हैं दूसरी जो ऊपर से देखने पे दिखाई देगा हमें 30 एम mm. एम तो जाहिर सी बात है 30 एम mm एम जो है उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से तीन एम एम टू पॉइंट इधर टू पॉइंट फाइव इधर क्योंकि बीच में ग्रुव भी आ रहा है पाँच एम एम का तो ये सेंटर से 2.5 इधर वन टू एंड हाफ़ इधर तो बोथ साइड से हम क्या करेंगे mm, 2 टू एम एम टू पॉइंट फाइव का छोड़ेंगे और एक बिल्कुल लाइट लाइन एक और लेंगे क्योंकि ग्रूव जो है टिप्पर वे में गया हुआ है तो टिप्पर में लेंथ ऑलरेडी बड़ी हो जाती है

कहाँ से एक क्लिप से दूसरी क्लिप में इसके अंदर होते हुए जाएगा ठीक है वायर जो होगा ठीक यहाँ पर ये पहली चीज़ रेडी अब आ जाते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले हम ड्राफ्टर को लॉक कर रखा हमने 90 डिग्री पे और यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन लेंगे सेंटर लाइन लेने का वही तरीका है टोटल है पंद्रह एम mm और पंद्रह एम mm के नीचे ठीक है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जो क्लिप का डिस्टेंस दिया गया है टोटल वो डिस्टेंस है पंद्रह तो हम पंद्रह एम mm लेते हैं साढ़े सात ऊपर साढ़े सात नीचे और एक बिल्कुल लाइट लाइन ले लेते हैं दोनों तरफ ये ले ली इधर देखो मैंने एक तरफ पॉइंट लिए हैं और दूसरी तरफ लाइन लेने का ये बेनिफिट हो जाता है क्योंकि ड्राफ्टर मेरा अच्छा है अगर ड्राफ्टर अच्छा है तो आपके सारे काम हो गए ऊपर देखो लाइन ली थी ये आ गई हाफ की यानी कि पंद्रह का हाफ साढ़े आ गया ऐसे ही ये आ गई तो यहां पर हमें क्लिप का भी डिस्टेंस मिल गया और सेंटर पॉइंट भी मिल गया तो चलिए क्लिप को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो क्लिप की चौड़ाई है दस एमएम तो पांच एमएम इधर पांच एमएम इधर यही प्रोसेस हम नीचे करेंगे बट जरूरत नहीं है क्योंकि ड्राफ्टर बार बार मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ड्राफ्टर काफी अच्छा है आपका ड्राफ्टर अच्छा है तो आपकी ड्राइंग काफी अच्छी बनेगी आपके हाथ में नजाकत होनी चाहिए चलाने की ठीक है ये आ गया अब यही बॉक्स हम इस साइड में बनाएंगे ऊपर की रेफरेंस लेते हुए ये आ गया ठीक है ये पंद्रह एम एम mm एम आईडियर स्टूडेंट और ये दस एम एम है ठीक है इसकी जो हाइट है वो पंद्रह है ये चौड़ाई है दस एम एम दोनों तरफ से ये आ गया है ठीक है आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अब हम क्या करते हैं यहां पर 1.5 का डिस्टेंस दिया गया है तो यहां पर वन एंड हाफ पे डॉट लगाया और उस तरफ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्राफ्टर बिल्कुल ठीक सही कहा आपने कि ड्राफ्टर बिल्कुल ठीक है अब यहां से 1.5 1.5 लिया और ड्राफ्टर की मदद से ये हमने बोथ साइड ले लिया तो ये जो क्लिप है जो क्लिप उठी हुई होती है उसकी चौड़ाई है एक लोहे की पत्ती है जो उठी हुई है उसकी चौड़ाई है ऊपर से देखते वक्त ये हमें ऐसा दिखाई देगा अब आ जाती है बात यहाँ पर कि इसके अंदर जो है होल है इस क्लिप के अंदर सेम डाया तीन एम है तो 1.5 का इधर लेंगे और ऊपर से देखते वक्त हमें बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा तो हम ये दोनों तरफ बनाएंगे 1.5 1.5 क्योंकि इस क्लिप को भी तो कहीं हमने रोक रखा है इस क्लिप को हमने रोक रखा है तो कहाँ रोक रखा है हमारे किटकेट फ्यूज़ की बॉडी में अब बात आती है क्या सर ये ऊपर बनेगा हाँ जी बिल्कुल बनता जाएगा तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऊपर वाले सर्कल की मदद से लेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा हिडन क्योंकि हमें यहाँ तो दिखाई नहीं देगा यही प्रोसेस हमें अपोजिट का कर, साइड करना है ऊपर से देखते वक्त ये मेरी तरफ था अब ये आपकी तरफ है यानी कि उस तरफ आ गया अपोजिट साइड आ गया है ठीक है ये दोनों तरफ हिडन हमने दिखा दी है जाहिर सी बात है हिडन बहुत छोटी है डेढ़ एम एम क्या हिडन दिखाएंगे बट पॉसिबल है दिखाएंगे हम ठीक है यहाँ पर हमारा डायग्राम रेडी हुआ ठीक है टॉप व्यू हमारा रेडी हुआ तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर जो भी पॉसिबल डायमेंशन हो सकती है वो दिखा देते हैं इन केस अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक रहती है तो उसको अच्छे से कवर करते चलेंगे चलिए तो अब हम यहाँ पर सबसे पहला डायमेंशन दिखा देते हैं ये है फ्रंट व्यू और यह है टॉप व्यू जो जो डायमेंशन थी वीडियो को आप पोस्ट करके देख सकते हैं ये हमने बना लिया है फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू एंड द लास्ट अब हम करते हैं राइट साइड right तो सबसे पहले कंपास लेंगे इतना डिस्टेंस खोलेंगे ये न्यू ट्रिक है हालांकि बहुत पहले है ये ये हमने लिया क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आएगा ऑलवेज़ ठीक है इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से बनेगा और सारी याद रखना एक साइड में नोट्स चल रहा है ऑलरेडी ऑल डायमेंशन आर इन एम एम तो ये डिस्टेंस था थर्टी एम एम और ये आ गया थर्टी एम एम तो दोनों का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारा लेफ्ट साइड में हो जाएगा अब बात तो यहाँ आ रही है कि सर आप तो राइट right में बना रहे हो फ्रंट के राइट में बना रहे माय डियर फर्स्ट एंगल यूज किया गया है इसीलिए हम राइट में बना रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट एंगल में क्या होता है लेफ्ट साइड राइट में चली जाती है राइट right, लेफ्ट में तो हमने ये बॉक्स को ऐसे कुछ एक बना लिया है ठीक है यहाँ पर अब हम ध्यान से देखना जो हमें किटकेट uh, फ्यूज दे रखा है अब दे रखा है हमने लेफ्ट साइड बॉटम में ये सामने स्क्रीन पे है ठीक है अब ये हमने डार्क कर लिया ये डार्क कितना किया पूरा तीस एम एम ठीक है अब ऊपर से नीचे आएंगे कितना आएंगे हम ठीक है टोटल पंद्रह एम एम है सेड में हाइट देखते चलते हैं हम सेड में दे रखी है तो हम क्या करते हैं पहले जैसे हमने सबसे पहले किया था कर्व ली थी या टू एम एम की वही कर्व हम यहाँ पे ले लेंगे ठीक है दोनों तरफ हमने वन पॉइंट फाइव की कर्व ले ली कर्व लेने के बाद अब हमें क्या करना है इस लाइन को अच्छे से पहले डार्क करना है ये डार्क कर दी और इसको पंद्रह एम एम तक मिला दिया तो सबसे पहले अगर किट कैट व्यू का सैड व्यू देखें तो हमें ये दिखाई देगा भाई अब हमें क्या करना है यहाँ पर एक बिल्कुल लाइट लाइन लेनी है पहले पॉसिबल लाइन जो भी हो सकती है ये दस एम एम वाली लाइन आ गई ठीक है ये पाँच एम एम वाली लाइन आ गई अब बात ये आती है कि सर इनकी ज़रूरत क्या पड़ेगी भैया सामने से दिख नहीं रहा है ये बट हिडन लाइन तो आएगी यहाँ पर तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो हिडन लाइन है जो डिस्टेंस दिया गया है वो फाइव एम एम दिया गया है यहाँ पर और नीचे की तरफ टेन एम एम दिया गया तो यहाँ पर हमने एक बिल्कुल लाइट लाइन ले ली है ठीक है इसमें ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि एक तरफ जो है फाइव एम एम है स्टार्टिंग है और एंड है कहां से कहां तक है ये हमने यहां से यहां तक लिया वापिस हमने उसी पर रखा पॉइंट पे ये चीज ये चीज देखना ये चीज हमारी बिल्कुल बिल्कुल मैच हो रही है और अगर बिल्कुल प्रॉपर मैच हो रही है तो समझना आपका डायग्राम बिल्कुल ठीक है अगर 19 20 भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम होगी तो ये हमने 10 एम mm एम तक नीचे लिया और इसको जो है इधर मिलाया क्योंकि ये वो है जो मैंने पहले बोला था ना जिसको पकड़ना है मैं उंगलियों से किटकेट फ्यूज को पकड़ना है वो चीज़ है तो यहाँ पर 5 एम एम सेम यहाँ पर लिया 5 एम एम का डिस्टेंस और ऊपर ज्वाइन करवा दिया तो ये तो वो पोर्शन आ गया जिसको हम साइड से पकड़ते हैं अगर ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और 5 एम एम की इनके बीच के अंदर क्या आ जाएगी एक स्लाइड आ जाएगी जो ओवरऑल है जहाँ पर हमारी क्लिप लगेगी याद रखना जहाँ पर हमारी क्लिप लगेगी ठीक है ये बन गया है अब देखेंगे डायग्राम को फिर कि जितना भी हिडन पार्ट था वो हम इसके अंदर बना चुके हैं अब आ जाती है क्लिप की बारी इसके अंदर हमें क्लिप को बनाना है तो सबसे पहले टोटल है डिस्टेंस उसका हाफ लिया पंद्रह ये आ गया पंद्रह सेम ये प्रोसेस हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और ये आ गए भाई सेंटर लाइन अगर मैं इस सेंटर लाइन को कंपास की मदद से उससे मिलाऊं तो बिल्कुल दोनों एक ही पॉइंट पर आएंगे तो चलो चेक करते हैं क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ तो ये देखो दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए तो यहाँ कि हमारा जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का डिस्टेंस है वही गैप हमारा लेफ्ट साइड में है ठीक है ये हमने एक सेंटर लाइन ले ली अब हम क्लिप को बनाना स्टार्ट है करते हैं अगर हम क्लिप व्यू को सैड व्यू से देखते हैं फ्रंट से देखा तो टेन एम एम था अब यहाँ से देख रहे हैं तो साढ़े सात पाँच छः सात एंड हाफ़ हमने डॉट ले लिया पाँच छः सात एंड हाफ़ ये ले लिया हाइट कितनी जाएगी पच्चीस एम एम जाएगी तो ये तो आएगी हिडन में क्योंकि अंदर है हमें दिख नहीं रही है यहाँ से डार्क हो जाएगी यही चीज़ ये चीज़ हमें दिख नहीं रही है ये डार्क हो जाएगी अब अंदर की तरफ कितना आना है क्लिप के अंदर ऑलरेडी दे रखा है 1.5 पॉइंट एम तो ये रखा ए वन ए वन एंड हाफ ये ले लिया अब वन एंड हाफ ड्राफ्टर लॉक है ये सीधी लाइन ली ये हिडन आ जाएगी नीचे वाली इसकी ऐसा क्यों आएगा और कहाँ तक आएगी सेम नीचे से भी 1.5 पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा क्लिप का ठीक है भाई ये आ गई हमने पूरी पूरी क्लिप को ज्वाइन करवा दिया वन ये लिया और ये आ गई डार्क और ये आ गई हिडन ठीक है भाई इसको ज्वाइन करवा दिया तो क्लिप जो है सेड व्यू से ऐसे लग रहा है जैसे चार्जर हो अगर हम मोबाइल चार्जर को सेड से रखते हैं ना तो वो ऐसा ही दिखाई देता है देखना ध्यान से कभी रखकर अपने को चार्जर को ये आ गया चार्जर की जो राइट साइड है सॉरी लेफ्ट साइड है वो हमारे बिल्कुल ऐसी दिखेगी अब जो ये इसके अंदर एक एक पार्ट है उनको हम मेजर करेंगे तो ऊपर से पंद्रह एम लिया पंद्रह एम लेने के बाद एक लाइन ले ली इधर और यहाँ पर लिया वन इधर लिया 1.5 इधर लिया ये 1.5 लेने का बेनिफिट इसके अंदर क्या है एक पॉइंट दे रखा है डेढ़ एम mm का जो ये हमने सर्कल दिखाया है यहाँ पर वो यही इस साइड है यही उस साइड है दोनों तरफ हम ये लेंगे तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हर एक एक पॉइंट का एक यहाँ पर भी बनेगा क्योंकि बेस सर्कल जो है याद है ये क्लिप इसके अंदर किट फ्यूज की बॉडी के अंदर इसकी मदद से टच होगा ऐसे ही यहाँ पर ले लिया हमने और ऐसे ही यहाँ पर ले लिया हमने ये ले ली सेंटर लाइन ठीक है अब आप देख रहे हैं डायग्राम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है प्रॉपर चल रहा है ठीक है और यहाँ पर हमारा किट किट फ्यूज का हाफ से ज़्यादा डायग्राम रेडी हो गया अब हम जो इसके अंदर है जहाँ पर हमने वायर लगानी है वो वाला डायग्राम पेंडिंग है अभी वो बनाते हैं तो उसका डिस्टेंस है टोटल पंद्रह एम एम की हाइट ली ये था तीस तो ये रेफरेंस लाइन देखो यहाँ पर ले लेते हैं तीस ले ली है अब ऊपर ऊपर के हिस्से को हम क्या करते हैं डार्क करते हैं डार्क करेंगे ए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को और अंदर आ जाएगा हिडन यह आ गया हिडन और यहाँ से यहाँ तक अब बीच का डिस्टेंस वन टू पॉइंट फाइव इधर छोड़ा टू पॉइंट फाइव इधर और ये पाँच एम एम नीचे आ गई और इसको ज्वाइन करवा लिया ये पाँच एम एम के ये क्या है जिसमें से वायर जाएगा सॉरी थोड़ा सा पाँच की जगह वन पॉइंट फाइव ले लिया है बल्कि टू पॉइंट फाइव लेना है टू पॉइंट फाइव यह आ गया टू पॉइंट फाइव ठीक है और इसको भी इरेज करते हुए जॉइन करवाएंगे ये आ गया और ये आ गया अब पाँच एम एम प्रॉपर आ रहा है ठीक है सेंट्रल लाइन से बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डायग्राम गलत ना लगे और ये जो है हमारा यहाँ पर अब इसके अंदर से वायर आ जाएगी इसकी जो डायमेंशन है वो हम बना देते हैं ये फर्स्ट एंगल का सिंबल थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट